इधर प्रियंका गांधी, उन्होंने क्या कहा वो आपने सुना। आपसे कुछ देर पहले हमारे संवाददाता विक्रांत के साथ बातचीत में उन्होंने स्पष्ट किया कि यहाँ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के चलते वोट जुटाने की कोशिशें हो रही हैं और जनता ये समझ रही है कि सवाल ना पूछे वो कि हमारे लिए विकास के लिए आपने किया क्या है, लिहाजा इस तरह के तमाम पैंतरे आजमाए जा रहे हैं। इस बीच आपको याद होगा अखिलेश यादव ने अपनी एक रैली के दौरान ये दावा किया था कि कांग्रेस को जीरो मिलने वाला है। आइए चलते हैं विक्रांत के पास और समझते हैं कि वो क्या क्या वाइब्रेंस देख रहे हैं, किस तरह की उनको वाइब्स मिल रहे हैं जब वो कांग्रेस के नेताओं के साथ और इन रैलियों में होते हैं, लोगों के बीच में होते हैं। विक्रांत, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? ये देखिए, भले ही प्रियंका गांधी से जब पूछा गया कि क्या आप 2024 पर निशाना लगाए हुए, तो उन्होंने कहा नहीं, आप लोग ऐसी बातें फैलाते हैं। जब मैं 19 में प्रचार कर रही थी तो आप लोगों ने कहा 22 की बात है, अब 22 में मैं कर रही हूँ तो आप 24 के लिए कह रहे हैं। तो लेकिन जहाँ तक कांग्रेस के जो ज़्यादातर नेता वो ये मान रहे हैं कि हम विधानसभा चुनाव में भले ही जोर लगाए हुए हैं लेकिन 24 हमारे लिए अहम है, क्योंकि आज अगर लड़ाई में एक तरफ भाजपा है तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश का चुनाव है, वहाँ समाजवादी पार्टी ज़्यादा हमसे बड़ी है। और दूसरी बात अगर करें 2024 की जब बात आएगी तो भाजपा के राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस खड़ी नजर आएगी। तो ये एक समीकरण लेकर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, लेकिन निश्चित तौर पर चुनाव सामने है और प्रियंका गांधी की कोशिश ये है कि जातिवाद का जो समीकरण है उत्तर प्रदेश में उसको तोड़ने के लिए मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, महिलाओं का मामला लेकर के आई है। हम यहां पर मौजूद है रायबरेली में जहां प्रियंका गांधी ने संवाद किया लड़की हूं, लड़ सकती हूं का, और यहां पर तमाम मुस्लिम समाज से, अल्पसंख्यक समाज से महिलाएं आई हुई हैं। बहन जी, आप क्या क्या कहेंगी, प्रियंका गांधी से आप लोगों की बात हुई, क्या लगता है आपको उत्तर प्रदेश के चुनाव में? हमें चाहिए कि जो हमारे औरत के लिए हक के लिए बोलती है उन्हें ही वोट देना चाहिए, उन्हें ही, क्योंकि सबको हक मिलता है। इन्होंने जो कुछ यहाँ बताया, हम सब छात्रों के लिए, नारियों के लिए, सब अच्छा ही कहा है और जो कुछ कहा है हमें उस पर अमल करना चाहिए, इन्हीं को जिताना चाहिए। लेकिन ये कहा जाता है कि घर में जो मर्द तय कर लेते हैं औरतें वही फैसला कर लेती हैं, तो प्रियंका गांधी के लिए अलग से कुछ कर पाएंगे आप लोग? जी, हमें उनके हक के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। उन्होंने औरतों को हक दिया है, लड़कियाँ लड़ सकती हैं, लड़कियाँ कुछ भी कर सकती, बढ़ सकती हैं, बोलना चाहिए। आपने यहाँ संवाद किया, कोई खास बात आपको समझ में आई, कोई अलग बात आपको दिखाई पड़ी? जी, हमें लड़ने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे कि इन्होंने लड़कियों के लिए बताया है, लड़कियों के हक में, कि आजकल क्या, हमेशा से यही बातें चली आई हैं कि लड़कियों के हक को दबा दिया जाता है, लड़कों को उठा दिया जाता है, लड़कियों की बात कहीं नहीं सुनी जाती है। तो और आपसे पूछते हैं, लेकिन मोदी जी भी तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन मोदी जी कहते हैं, लेकिन औरत की बात समझ पाती है ना, जैसे कि प्रियंका गांधी ने लड़कियों को के लिए लड़ना चाहा और लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इसलिए हम लोग को हिम्मत देते हैं कि हाँ, तुम आगे जाके कुछ कर सकती हो। जैसे कि आज के अगल का माहौल है कि लड़के बहुत ज़्यादा भेद होते, कहीं कॉलेज जाते, कोई स्कूल जाता है, तो मतलब कि घर वाले नहीं कहते। आपको पता है कि घरों में तो ये टैग लाइन जरूर लोगों के बीच में पहुंची है, लोग इससे रिलेट करके कम से कम खास तबके के लोग तो देख ही पा रहे हैं, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। और ये भी कहा जा रहा है कि प्रियंका जब ये कह रही हैं तो एक महिलाओं के संदर्भ में चीजें बेहतर जानती है। अड़ी, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।